एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस मेकओवर। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ, हाउ टू अचीव अ फ्लॉलेस बेस, यानी हमें अपने मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और कौन से स्किन टाइप पर किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं फेस को वॉश करूँगी। मेन हमारा स्टेप होता है फेस को क्लीन करना। आप क्लीन करेंगे अच्छे से अपने फेस को, कोई भी फेस वॉश हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप यूज़ करूँगी टोनर या फिर मिस्ट, आपके पास जो भी हो। अगर आपके पास मिस्ट हो तो आप मिस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर टोनर हो तो टोनर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लम का मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। और प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से शेक करें, देन उसके बाद अप्लाई करें। तो यहाँ पे मिस्ट मैंने लगा लिया है। नेक्स्ट स्टेप यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजर। जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मॉइस्चराइजर का, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना। स्किन हमारी हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी, मॉइस्चराइज नहीं होगी, तो हमारा जो मेकअप है फ्लॉलेस भी नहीं दिखाई देगा और हमारा जो बेस होता है वो केकी और पैची नज़र आता है। तो अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो ड्राई स्किन वाले थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, एंड अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो ऑयली स्किन वाले लाइट मॉइस्चराइज़र या फिर आप जेल मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र से हमारी स्किन हाइड्रेट दिखती है, इवन दिखाई देती है और काफ़ी ग्लोई दिखाई देती है। या एंड नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे, इसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर का मेन वर्क जो होता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको फिल आउट कर देता है एंड उसको ब्लर आउट कर देता है, और जो हमारा फेस का जो टेक्सचर होता है उसको काफ़ी स्मूथ बना देता है, ताकि जो हमारा बेस होता है वो फ्लॉलेस दिखाई दे और बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखाई दे एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है इसे प्राइमर से। या तो यहाँ पे मैंने प्राइमर भी लगा लिया है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कलर करेक्टिंग। यस गाइस, कलर करेक्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपकी अनइवन टोन दिखाई देगी। अगर आपको पिगमेंटेशन या फिर एक्ने स्कार है या फिर किसी भी तरह की ब्लेमिशेज है, पिगमेंटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कलर करेक्टिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी ब्लैकनेस है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करें, और अगर आपकी रेडनेस है तो आप ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करें, और अगर आपकी डल स्किन है तो आप येलो करेक्टर यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। जहाँ जहाँ मुझे ब्लैकनेस दिखाई दी है वहाँ पर मैंने इसको ब्रश से लगा लिया। देन मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन को मैं सबसे पहले हमें शेक करना चाहिए, ताकि जो उसका जो मेन जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। या तो इस तरह के जो दो टूल्स हैं यहाँ पे, ये इस तरह का फ्लैट ब्रश है, आप डायरेक्ट इस तरह से लगा सकते हैं फ्लैट ब्रश से। और देन उसके बाद इस तरह के काबुकी ब्रश आते हैं, और इसे राउंड राउंड करके पूरे फेस पे ब्लेंड कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट आता है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या है, आप अगर इसे ब्लेंड करेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और हाई कवरेज देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपना जो फाउंडेशन है तो ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करें। तो यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। अगर आप इस तरह से स्प्रेड करेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है केकी नज़र नहीं आएगा और ना ही पैची दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है ये इक्वली अपनी पूरी स्किन पे हमारे लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा लिया है फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने वेट कर लिया है, वेट करके स्विच कर लूँगी और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, डैबिंग मोशन पर ब्लेंड करना है, आपको रब नहीं करना। तो जैसे देखिए कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है। अगर आप ब्लेंडर में पानी होगा, अगर आप इसको अच्छे से स्विच नहीं करेंगे तो आपका मेकअप भी पैची दिखाई दे सकता है और केकी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको अच्छे से स्विच कर लें, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो फेस पे मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने फेस को। इसके बाद स्टेप आता है कंसीलर का। कंसीलर हमारे फेस पे जो हाइलाइटिंग एरिया होता है यूजुअली वहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है मेबलिन का फिट मी कंसीलर। मार्केट में काफ़ी ब्रांड के कंसीलर आते हैं, या फिर आपके पास जो भी कंसीलर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई
अफोर्डेबल कंसीलर देख रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आप ये वाला मेबलिन का फिट में कंसीलर ज़रूर ट्राई करें एंड मेबलिन का फाउंडेशन भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। या तो यहाँ पे मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, ये सब मैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही अपना बेस लें, कंसीलर लें। या तो कंसीलर मैंने अपनी आईज़ पे भी लगा लिया, जो जो हमारा यूजुअली हाइलाइटिंग एरिया है वहाँ पे मैंने लगा लिया है। तब उसके बाद मैं डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड कर लूँगी, इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि क्रीज नहीं पड़े और अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इक्वली ब्लेंड होना चाहिए। ये देखिए तो ब्लेंडिंग भी होगी हमारी, देखिए इस तरह से ब्लेंड करना है आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से। नेक्स्ट स्टेप आता है कॉम्पैक्ट का या फिर लूज पाउडर का। तो हमारे फेस पे काफ़ी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करे हैं हमने, तो आप अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट पे जा सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लूज़ पाउडर पे जा सकते हैं। यहाँ पे मेरी ऑयली स्किन है तो मैं लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी, और अगर आप समर में हैं तो जैसे समर भी स्टार्ट हो गए तो समर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो लूज़ पाउडर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ होते हैं ना तो क्रीज बढ़ जाते हैं, तो उनको बेस को लॉक करने के लिए हमें इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसको मैं ब्रश आउट कर दूँगी पाउडर ब्रश की हेल्प से, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको ब्रश आउट करूँगी, ताकि जो मेरा बेस है वो मेरा लॉक हो जाए, जो भी मैंने फाउंडेशन कंसीलर जो भी मैंने अप्लाई किया है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए को राउंड राउंड करके ही अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्रश आउट करना है। आईज़ के नीचे ज़्यादा ध्यान देना, आईज़ के नीचे जहाँ पापी क्रीज हो जाती है तो आईज़ के नीचे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी बेस को लॉक करने के लिए, या तो लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। यस सो गाइज, ये है मेरा फ्लॉलेस फेस। तो मोस्टली मैं यही बेस अप्लाई करती हूँ, यही स्टेप फॉलो करती हूँ, और जो स्किन प्रेप है वो यही सारे स्टेप वही हैं। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।